हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और स्वागत है आपका हमारी टेक न्यूज़ सीरीज़ की दूसरी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत सारी टेक न्यूज़, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है दोस्तों एप्पल की तरफ से। वैसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीक्स आ रहे हैं कि एप्पल अपने नए आईफोन्स 20 सितंबर को लॉन्च कर सकता है। और अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसकी माने तो एप्पल अपने नेक्स्ट आईफोन्स में USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग सपोर्ट दे सकता है। और ये रूमर्स दोस्तों काफ़ी टाइम पहले से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एप्पल इस बार कुछ नया करे। और इसके साथ ही लीक्स आ रहे हैं कि एप्पल इस बार ट्रिपल रियर कैमरा पे वर्क कर रहा है। और वैसे भी अब आईफोन लॉन्चिंग में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसे में जो भी लीक्स आएंगी वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और इससे रिलेटेड आगे भी अगर कोई और न्यूज़ आती है तो मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। और अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी न्यूज़ की, तो ये खबर आ रही है दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से। और फ्लिपकार्ट ने एक नई सर्विस लॉन्च कर दी है जो काफ़ी फ़ायदे वाला सौदा लग रहा है। तो बेसिकली दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अपनी साइट से स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप फ्लिपकार्ट साइट से कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो तो आपको फ्री बैंड ऑथोराइज्ड रिपेयर और रिप्लेसमेंट सर्विस मिलेगी। इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको ब्रेकेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स और लिक्विड डैमेज कवर भी मिलेगा। और इस प्लान की स्टार्टिंग प्राइस 99 रुपये है। और ये प्लान लगभग सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए है और ये 1 साल के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर फ़ोन रिपेयर करवाना है तो आपको एक नंबर मिलेगा जिस पे आप अपनी क्वारी रजिस्टर करवा सकते हो। उसके बाद आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद फ़ोन पिक एंड ड्रॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी और कंपनी आपको 10 दिन के अंदर फ़ोन रिपेयर करके वापस आपके घर पहुंचाएगी। और अगर आपके पास 10 दिन में फ़ोन नहीं आता है तो आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो कैसी लगी ये न्यूज़ आपको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वैसे मुझे तो एक काफ़ी फ़ायदे वाला सौदा लग रहा है। और अगली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है रियलमी की तरफ से। और आज रियलमी की तरफ से एक नहीं दो अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो रियलमी ने जैसे ही अनाउंस किया है कि उनका नेक्स्ट स्मार्टफोन रियलमी XT होने वाला है, उसके बाद डेली कुछ ना कुछ उस स्मार्टफोन से रिलेटेड नए लीक्स सामने आ ही रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले कंफर्म हो चुका है कि कंपनी रियलमी XT स्मार्टफोन को 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेगमेंट में लॉन्च करेगी। अब इसके बाद कुछ और लेटेस्ट लीक्स भी सामने आ गए हैं और उन लीक्स की माने तो कंपनी इसमें भी रियलमी X की तरह 25 मेगापिक्सल वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा दे सकती है। और इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर दिया जा सकता है। तो ऐसे में ये फ़ोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है जिसकी प्राइस अप्रोक्स 25,000 से स्टार्ट हो जाएगी। और ये फ़ोन सितंबर के लास्ट तक लॉन्च हो सकता है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो वो खुद रियलमी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने चाइनीज़ वेबसाइट वीवो पे पोस्ट करके दी है कि रियलमी अपनी एक नई सीरीज स्मार्टफोन पे वर्क कर रही है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने इसका नाम या स्पेक्स कुछ भी नहीं बताए हैं। तो अभी देखते हैं रियलमी इसके बारे में कब खुलासा करेगी और क्या नया धमाल मचाने वाली है रियलमी इस नई सीरीज़ के साथ। इसके अलावा दोस्तों जो अगली और सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है शाओमी की तरफ से। वैसे जब से रेडमी नोट 8 सीरीज़ की लॉन्च डेट कंफर्म हुई है तब से कुछ ना कुछ लीक्स आते ही रहे हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो अब दोस्तों कैमरा के साथ साथ रेडमी नोट 8 सीरीज़ के प्रोसेसर भी कन्फर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों रेडमी नोट 8 में आपको मीडियाटेक का हीलियो G90 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो वहीं रेडमी नोट 8 प्रो में आपको हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और ये न्यूज़ किसी और ने नहीं, खुद मीडियाटेक ने कंफर्म की है वीवो वेबसाइट पे पोस्ट करके। तो दोस्तों जैसा कि इन प्रोसेसर की लॉन्चिंग वाले दिन शाओमी इंडिया के CEO मनु कुमार जैन ने बताया था कि वो मीडियाटेक के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ जल्द ही इंडिया में स्मार्टफोन लाने वाले हैं। तो दोस्तों वो रेडमी नोट 8 सीरीज स्मार्टफोन ही होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो शाओमी का जो मी मिक्स स्मार्टफोन है वो शायद से नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाला है। और इसके जो स्पेक्स निकल कर सामने आए हैं ना दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों इस ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन होने वाला है अभी तक के टाइम का। और बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर दिया जा सकता है। तो ये फ़ोन काफ़ी दासू होने वाला है। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 12 GB रैम के साथ 1 TB रोम मिल सकती है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि ये फ़ोन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर ये लीक्स सही होते हैं तो भाई फिर ये दुनिया का सबसे बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन होने वाला है अभी तक का।
ये बात कन्फर्म है। और Xiaomi के इस स्मार्टफोन के लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पहले से ही, और क्या आप भी एक्साइटेड है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें आपके काम की कोई भी न्यूज़ हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।